महापौर व नगर निकाय के अध्यक्ष पद के चुनाव प्रक्रिया को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। दरअसल शर्मा ने मीडिया के सवालों में जवाब में कहा कि मेयर पद के चुनाव किस प्रकार हों इस पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग फैसला करेगा। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शुक्रवार को संभागीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया ने उनसे निकाय चुनाव में महापौर नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के चुनाव के बारे में सवाल किया। बीजेपी अध्यक्ष ने पहले तो इस सवाल को टालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ज्यादा कुरेदने पर कहा कि इस मसले पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग फैसला करेगा। नगर निकाय के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से तैयार है, लेकिन चुनाव जो भी हो, चाहे नगर निकाय के हों या बाई इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ने इसको अभी कोविड के कारण से रोक के रखा है। इलेक्शन कमीशन को जब लगेगा कि चुनाव कराने की परिस्थितियाँ ठीक हैं, कराया जा सकता है, तो तत्काल चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय से लेकर के किसी भी चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर तैयार है। सज्जन सिंह वर्मा ने आज कहा कि निर्वाचन आयोग जो है वो बीजेपी के साथ चुनाव नहीं, कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं पर ही विश्वास नहीं है। समाज कानून से चलता है, देश कानून से चलता है, प्रदेश कानून से चलता है। उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के इलेक्शन कमीशन से लेकर के ऐसी संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, तो उनको कौन इन बातों के बारे में क्या कहेगा। वो एक मध्य प्रदेश के कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो उनको हर संस्था पर अविश्वास है, अविश्वास से समाज नहीं चलता, समाज विश्वास से चलता। महापौरों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही कर रहे हैं। ये क्या सिस्टम होगा, क्या नहीं होगा, जो समय आने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, मध्य प्रदेश का हमारा इलेक्शन कमीशन है, उसकी जो प्रोसेस होगी वो तय हो। आप लोग क्या सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में जो आवश्यक कदम होंगे वो उठाएगी। कई जगह कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पा रहा, हो जाएगा, कभी कभी होता है। हमारी मंडलों की कार्यकारिणी गठन होगी इसकी बात नहीं करोगे? 1070 मंडल में से जो नए मंडल बनाए हैं उनको छोड़ करके लगभग 1040 मंडलों की कार्यकारिणियां बन गई, उनके प्रशिक्षण हो गए, जिलों की कार्यकारिणियां बन गई, कुछ बची हैं वो भी जल्दी बन गई। क्या होता है, कुछ कारण होते हैं संगठनात्मक ढांचे, वो भी जल्दी पूरे होंगे और प्रशिक्षण से लेकर के बैठकें नियमित हैं। भारतीय जनता पार्टी है, अपने तंत्र पर काम करती है, जरूर जल्दी हो आप, चलो ठीक है।